सैंडविच देखिए कितना प्यारा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली सैंडविच। अभी हम बनाएंगे बिना ब्रेड के सैंडविच। इसके लिए एक कप उसमें डालेंगे आधा कप दही, जितना सूजी है उसका आधा हमने ले लिया है दही। हाफ टी स्पून डालेंगे नमक, आधा चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जितना हमने दही लिया था उतना लेंगे पानी, वापस अच्छे से विस्क कर लेंगे। एक थिक बैटर हमने बना लिया है, तो इसमें डालेंगे एक छोटा सा गाजर, एक आधा प्याज या तो एक छोटा सा प्याज, आधा कैप्सिकम, हरी मिर्च, किया हुआ मकई, धनिया पत्ता, सारी चीजों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। और आप चाहे तो यहाँ चिली फ्लेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद 15 मिनट हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद एक बार वापस इसको अच्छे से चला लेंगे। और 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने ले लिया है पानी, ये थोड़ा सा डाल दिया, आधा चम्मच हमने इनो, बस अच्छे से। ये सैंडविच बनाने के लिए अगर आपके पास मशीन है तो आप डायरेक्ट मशीन में बनाइए, अदरवाइज आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने फ्राइंग पैन पहले से गर्म करने के लिए रख दी थी, तो ये बटर थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करके ये वाला 1 चम्मच हम लेंगे। कंप्लीट सेप अगर आपका थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, जैसा आता है आपको वैसे ही बनाइए। 2 से 3 मीडियम फ्लेम, मीडियम टू स्लो फ्लेम करके एक साइड से इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और 2 से 2.5 मिनट के बाद पलट लेंगे। वाह, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया ये साइड से। वापस इसको ढक के कवर करके 2 मिनट इसको भी हम ये साइड से फ्राई कर लेंगे। 2 से 2.5 मिनट के बाद दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है हमारी ये साइड, बिल्कुल अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, लुक्स देखिए। एक प्लेट्स में हम निकाल लेंगे इस तरह से, और एक और मैं आपको बना के दिखाता हूं। मैं
25-30 सेकंड ये साइड वापस फ्राई करेंगे। ये बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह से हमें बैटर रखना है, इतना ढीला ना कि बिल्कुल गाढ़ा हो ना ढीला हो। अदरवाइज आपको इसको शेप देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। दो से ढाई मिनट ये साइड में भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए इसको टमाटो सॉस के साथ खाइए। ये हमारी बिना ब्रेड की सैंडविच बन के तैयार है। बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट आइटम है ये, एक बार बनाएंगे तो बच्चे बार बार मांग के आते यही खाएंगे।